हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। सुख और चैन, जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 28 आयत में लिखा है, इस प्रकार दानियल दारा और कुस्त्रु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख और चैन से रहा। मेरे प्रियो, अगर एक मसीही व्यक्ति अपने जीवन में सुख और चैन चाहता है तो उसे एक ही काम करना पड़ेगा और वह है आत्मिक लड़ाई। उसे अपनी आशीषों के लिए चंगियाई और परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दानियल एक बहुत बड़ी पदवी पर होने के बाद भी दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। दानियल के साथ काम करने वाले 2 मंत्री दानियल को पसंद नहीं करते थे और उसकी बुद्धि के कामों से जलन रखते थे। इसलिए उन्होंने योजना बनाकर राजा के द्वारा दानियल को मरवाना चाहा कि राजा आपको छोड़कर जो 30 दिन तक किसी दूसरे देवता की आराधना करे वह शेरों की मान में डाला जाए। राजा ने अपने पूरे राज्य में इस बात की आज्ञा दे दी कि जो 30 दिन तक मुझे छोड़कर किसी भी दूसरे देवता की आराधना करे वह शेरों की मांद में डाला जाए। जब दानियल को पता चला कि राजा ने ये आज्ञा दी है तो वह फिर भी रोज की तरह अपने घर में जाकर परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करता रहा। दानियल के विरुद्ध योजना बनाने वालों ने यह बात राजा को जाकर बताई और राजा ने दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया। जब राजा ने दानियल को शेरों की मांद में डाला तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया और दानियल को सुरक्षित रखा। और जब राजा ने सुबह शेरों की मांद खुलवाकर दानियल को जीवित पाया तो उसने अपने पूरे राज्य में परमेश्वर का प्रचार करवाया कि दानियल का परमेश्वर जीवित और सबसे महान है, सभी उसी का भय मानेंगे। और बाइबल बताती है कि इसके बाद दानियल राजा दारा और कुस्त्रु फारसी दोनों के राज्य में सुख और चैन से रहा। मेरे प्रियो, दानियल के सुख और चैन का कारण उसकी आत्मिक लड़ाई का जीतना था। दानियल ने यह नहीं सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन छिप छिप कर प्रार्थना कर लूंगा, जान है तो जहान है, बल्कि उसने लड़ने का फैसला किया और रोज की तरह 3 बार परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए और उसके बाद दानियल को और ऊंचा किया और सुख और चैन दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख चैन चंगियाई बरकत आए और आपका व्यापार सफल हो तो आपको उस पाप से व्यभिचार से अपने अविश्वास से लड़ना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करके अपने श्रापों को तोड़ना पड़ेगा और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परमेश्वर का सुख और चैन आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। बाइबल में लिखा है कि दाऊद अपनी जिंदगी के उन दिनों में सुख और चैन से और विश्राम से रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया था। सुलेमान विश्राम से रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया था। हर एक सुख चैन चंगियाई आशीष जो परमेश्वर से मिलती है वह आपकी लड़ाइयों को जीतने का नतीजा होता है। जब आप अपनी आत्मिक लड़ाइयों को लड़ेंगे और जीतेंगे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते रहेंगे तो परमेश्वर आपको भी दानियल की तरह अपना सच्चा सुख और चैन देंगे और कोई भी शैतान की ताकत उस सुख चैन को चुरा नहीं पाएगी। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर और अपनी सामर्थ्य मुझे दे ताकि मैं अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ सकूं और जीत सकूं और आपका सुख और चैन मेरी जिंदगी में प्रवेश करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।